हाय गाइस, वेलकम बैक। सो भाई, डन की एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। किस किस शहर में स्टार्ट हो चुकी है, क्या टिकट प्राइस वहां पर चल रहे हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि प्रॉमिस था, आज के दिन जो है एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज्ड तरीके से ओपन हो जाएगी। विद दैट आई मीन कि एटलीस्ट जो अर्बन सिटीज हैं, जो भी हमारे बड़े शहर हैं, छोटे शहरों में तो देखो अलीगढ़ में तो कल से ही स्टार्ट हो गई थी, एक अलीगढ़ में ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद से हमने आज देखा कि सुबह मैंने आपको बताया कि यूपी एमपी दो स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है, बट बहुत ही सिलेक्टेड थिएटर्स थे उस टाइम पर। अब कह सकते हो टाइम हो रहा है करीब करीब 2 बज रहे हैं दोपहर के, इस टाइम पर फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग जो है अपने चरम पर आ रही है धीरे धीरे। तो किस किस सिटी की मैं बात करने वाली हूँ, पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी सिटी की, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है या नहीं हुई है डंकी की, तो मैं आपको बता दूं, जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर, दिल्ली एनसीआर में स्टार्ट हो चुकी है और शोज भी अच्छे खासे ओपन हो गए हैं। अभी धीरे धीरे इसमें और एडिशंस होंगे, अभी से कुछ देर पहले इतने शोज भी नहीं थे, काफी सारे शोज जो है एक बार में आएंगे और फिर शुरू होगा हाउसफुल फिलिंग फास्ट का सुनामी। सो अर्लीस्ट शोज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 8:45 8:30 के शोज अर्ली मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के अर्लीस्ट शोज जो है। लेटेस्ट शोज रात के जो दिख रहे हैं, दे आर 11:45 PM के आसपास का शो है। सारी जितने भी हमारे पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस है, मुझे मेनली अभी यहाँ पर पीवीआर ही नजर आ रहा है, अभी मुझे आइनॉक्स सिनेपोलिस नजर नहीं आ रहा है, मेनली पीवीआर का ही आप देख सकते हो यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो है ओपन हुई है। धीरे धीरे करके और चेन्स भी ओपन होने वाली है। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं साउथ के किसी स्टेट की, साउथ में ओपन हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं बैंगलोर में एक बार चेक करना चाहती हूँ कि बैंगलोर में क्या डंकी की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। अभी नहीं हुई है बैंगलोर में भी, इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है पंजाब की साइड पे, चंडीगढ़ अगर मैं चेक करती हूँ तो क्या चंडीगढ़ में डंकी की ओपन हुई है एडवांस बुकिंग। जी हाँ, चंडीगढ़ में ओपन हो चुकी है। अभी धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि अभी स्टार्ट होगा, ये जस्ट पीवीआर है जिसने ओपन करी है। और टिकट प्राइसिंग की जहां तक बात है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया टिकट प्राइसिंग है, ₹260 यार। अगर मैं आपसे ये, मैं चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, चंडीगढ़ में आपको ₹260 की एक टिकट जो है वो पड़ने वाली है। जी नहीं, 260 की दो टिकट्स है चंडीगढ़ में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको बोलते हैं कॉमन मैन टिकट प्राइसिंग, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बोला है कि, और अगर ऐसी टिकट प्राइसिंग रहती है किसी फिल्म की, तो उसको ऑडियंस की कमी होगी ही नहीं। दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक जो कि डंकी मेकर्स ने, शाहरुख खान ने किया है। इसी के साथ अगर मैं आपको दिल्ली का प्राइसिंग बता देती हूँ, दिल्ली शहर में डंकी की जो टिकट्स है ये कितने की पड़ेगी आपको लगभग, तो अगर मैं दिल्ली में अभी मैंने ऑल दिल्ली ही चेक किया है, ऑल दिल्ली ही सिलेक्ट किया है जस्ट टू सी। अगर गुड़गांव की आप बात करते हो, यहाँ पर पीवीआर एम्बियंस वैसे थोड़ा सा महंगा है पीवीआर एम्बियंस, लेकिन यहाँ पर आपको एक टिकट जो है ये पड़ेगी ₹700 की। ये इस वक्त पे महंगी इसलिए है क्योंकि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवाना चाहते हो और इतना ज्यादा स्प्लर्ज नहीं कर सकते, थोड़ा सा शाम तक इंतजार करो, कल तक इंतजार करो, आराम से टिकट प्राइसिंग जो है नॉर्मल होने वाली है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अगर आपको टिकट करानी है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टिकट प्राइस इज, तो आप अभी के अभी करा सकते हो। मैं अगर इसके अलावा और किसी एरिया में देखती हूँ, जैसे अगर मैं नोएडा में देखती हूँ, यहाँ पर अब आइनॉक्स भी खुल रहा है, ग्रेटर नोएडा में आइनॉक्स भी खुल चुका है अभी। अगर मैं आपको पीवीआर सुपरप्लेक्स लॉजिक्स नोएडा का बताती हूँ, तो यहाँ पे 9:30 की जो टिकट है मॉर्निंग की, ये ₹830 की दो टिकट्स पड़ रहे हैं, करीब करीब ₹400 की, ₹415 के आसपास की जो है एक टिकट पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। सो ऐसा कुछ सिनेरियो जो है चल रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा टिकट प्राइसिंग और सस्ती होती जाएगी, लेकिन अगर आपको टिकट करानी है अभी की अभी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कराना है, तो देर किस बात की, जाओ और टिकट जो है ये करवाओ। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैंने कई सारे ऐसे शहर और देखे हैं जहां पर विद इन मिनट्स हाउसफुल हो चुका है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टिकट प्राइसिंग। सो इसको बोलते हैं असली फैंडम, कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी टिकट प्राइसिंग हो, पूरे के पूरे थिएटर्स के थिएटर्स जो है फैंस बुक करवा रहे हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो हमने पहले भी देखा है, बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ ऐसा होता है, जिनके बड़े बड़े फैंडम्स होते हैं उनके साथ होता है, मैंने एनिमल में भी देखा था। बट हाँ, आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द टिकट प्राइसिंग कमिंग डाउन। अभी जैसे मैंने कहा आईनॉक्स कहीं कहीं पर स्टार्ट हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में अभी तक ओपन नहीं हुई है डंकी की एडवांस बुकिंग, मुझे लगता है आज शाम तक, एक्सट्रीमली आई एम पॉजिटिव अबाउट आई मीन टूडे, आज शाम तक पक्का होने वाली है। लेकिन हाँ, कुछ जो शहर ऐसे हैं, जैसे मैंने छोटे 2 टियर सिटीज 3 टियर सिटीज की बात करी है, हो सकता है अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आज शाम तक भी वहां पर भी एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। सो टिकट प्राइसिंग की चिंता मत करना, टिकट प्राइसिंग कम ही रहने वाली है। जैसे मैंने बताया आपको, चंडीगढ़ में आपको ₹230 की दो टिकट्स मिल रही है, एंड जस्ट लुक एट दैट प्राइस, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यही टिकट प्राइसिंग जो है मुझे लगता है डंकी का आगे चल के भी होने वाला है। क्या लगता है आपको, डंकी की एडवांस बुकिंग जो है ये किस जोर, कैसा जोर पकड़ेगी? अभी दोपहर में एक और वीडियो जरूर करूंगी अबाउट दी
अपडेटेड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट अपडेट होकर के आएगी उसके ऊपर जरूर आएगी वीडियो, उसका इंतजार करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।